के अंदर जितने भी हमारे परिवार थे उन परिवारों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड योजना बना करके उन परिवारों को जोड़ने का काम किया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि इलाज के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है और मुझे खुशी है इस बात की भी बताते हुए आप लोगों के बीच में। जो सरकार ने हरियाणा के अंदर पिछले दिनों इसको लॉन्च किया था निरोगी हरियाणा योजना, उस योजना के माध्यम से कि घर घर जाकर के उसका चेकअप करना, उसको चेक करके उसको बताना कि अगर आपको कोई दिक्कत है परेशानी है उसको अवगत कराना और ताकि वो अपना समय के ऊपर इलाज करा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार ने जो निरोगी हरियाणा योजना है हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए क्योंकि जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर हम देखें लगभग 4 करोड़ मकान देश के अंदर बना करके देने का कार्य ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। ये ऐतिहासिक काम कि गरीब के हित के अंदर अगर मजबूत कदम किसी ने उठाए हैं, यह आजादी के बाद पहली बार है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कदम उठाए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान तो इस 10 वर्षों के अंदर बना करके दिए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य भी लिया है, लक्ष्य नहीं संकल्प लिया है कि आने वाले इस 2024 के अंदर जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब औथ ले लेंगे इसके बाद 2029 तक 3 करोड़ और नए मकान बना करके देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी इन 5 वर्षों के अंदर करने का काम करेंगे। जो सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक ही सोच है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो, योजनाबद्ध तरीके से उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे और भी आप लोगों को बताने की ये क्योंकि मुझे खुशी है कि सरकार इस प्रकार के जब काम करती है जिससे कि गरीब हमारा सशक्त और मजबूत होता है और उसको लगता है कि ये सरकार मेरी है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारा जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उसके माध्यम से कि अगर किसी घर के अंदर उसने अपना उसको रिपेयर करनी है, उसमें रंग या कोई और कच्ची छत है उसकी पक्की छत करनी है, उसके लिए भी 80,000 रुपया उस तक पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी हमने इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, जल्दी ही हरियाणा के अंदर लगभग काफी संख्या के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से वो हमारी सरकार कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति को मजबूत और सशक्त किया जाए। और मुझे खुशी है बताते हुए जब ये कोरोना कालखंड आया, इस कोरोना कालखंड के अंदर हमारा जो छोटा व्यक्ति था रेडी वाला फड़ी वाला जिसको उसका काम बंद हो गया, वो सुबह कमाता था शाम को खाता था, इस प्रकार का वो अपना काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, परंतु कोरोना कालखंड के अंदर वो दिक्कतें आई और उसका कारोबार बंद हुआ। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लेकर के आए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और उस योजना के माध्यम से ऐसे सब लोगों को जो फड़ी वाला था या कोई रेड़ी वाला था जो अपना दिन भर कमाता था और कमा करके अपने परिवार का अपना गुजारा करता था, ऐसे लोगों को बिना ब्याज के 10,000 रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी सरकार ने गरीबों के हित के अंदर जो काम किए हैं, मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना इसके माध्यम से
कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 71,000 रुपया अगर बिटिया की शादी होती है उस परिवार को हेल्प करने का काम ये हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इस योजना के माध्यम से भी गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से, जो हमारा पिछड़ा अति गरीब व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए और उसको भी योजना का लाभ पहुंचे,